तेरे शहर दे विच साडा ना गूंजेगा। ओ काका तेरी सहेली भी आखेगी जानू ताडा भी ना अंज कदी गूंजेगा। तो भाई जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा एक नेमाट वीडियो स्टेटस है और इस तरीके का ही जो सा नेमाट स्टेटस है उसको भी आप अपने मोबाइल के ऊपर किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपकी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने जो सा अपना कॉइन मास्टर है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद 16.9 की जो रेशो है वो हिसाब ने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद किस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इमेज का लिंक दिया होगा तो वो हिसाब ने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद किस आपने मीडिया ब्राउजर के ऊपर जाकर वो इमेज उसी हिसाब ने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो किस यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, इसको हिसाब ने उतना भरा लेना जितनी गीज आप वीडियो बनाना चाहते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किसी आपने यहाँ पे ऐड करना है ओवरले, तो यहाँ पे किसी आपने लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे किसी आप देख सकते हैं एक ये ओवरले है और दूसरा ये ओवरले है, ये दोनों की आपने ओवरले जो से वो डाउनलोड कर लेने। तो यहाँ पे कि मैं जो से स्टेप बाय स्टेप ओवरले जो से वो ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कि इसमें ये वाला ओवरले ऐड करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा कुछ तरीके से। आगे करने के बाद गई अब मैं दोबारा फिर जाऊंगा ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे जो सा मैं अब दूसरे बार ओवरले यानी कि ये वाला ओवरले है इसको भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये वाला जो सा ओवरले है ये भी इसमें ऐड करूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे किस मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तरीके का इंटरफेस जो सा आपके सामने आएगा। तो जहाँ से ये ओवरले जो से वो ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपने इस वीडियो को रोक लेना है कुछ तरीके से। रोकने के बाद इस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इंट्रो का लिंक दिया होगा तो वो वाला इंट्रो जो सा कि आपने डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे कि आप देख सकते हैं इंट्रो जो सा कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपने यहाँ पे देख लेना है कि जहाँ से कि ये इंट्रो जो सा असर स्टार्ट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ से कि आपने जो सा इस वीडियो को क्रॉप कर लेना है यानी कि आपने यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना है कुछ तरीके से। ट्रिम करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब कि आपने इसको जो सा थोड़ा सा आगे मूव कर देना है। तो यहाँ पे कि आप देखेंगे मैं इसको जो सा थोड़ा सा आगे इधर मूव कर देता हूँ कुछ तरीके से। मूव करने के बाद इसको जो सा कि मैं फुल स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लूँगा। तो यहाँ से कि जो सा इसको कुछ तरीके से ऐड कर दूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं किसी इस इंट्रो के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कि इसमें जाऊँगा ब्लडिंग वाले मोड के ऊपर, यहाँ से कि जो सा इसको सीन कर दूँगा। सीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं कि इसको दोबारा फिर आगे की तरफ क्लिक करूँगा जहाँ से कि इसके रेड इफेक्ट जो स्टार्ट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट। तो यहाँ पे कि आपने इस वीडियो को रोक लेना है। रोकने के बाद यहाँ पे कि आपने जो सा अपना नेम आर्ट है वो हिसाब ने यूज़ करना है। तो यहाँ पे कि जो सा मैं लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कि जो मैं अपना नाम है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तरीके से कि मैंने अपना नेम ऐड कर लिया है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। इसका साइज जो सा कि इसमें थोड़ा सा बढ़ा लूँगा कुछ तरीके से। बढ़ाने के बाद इसको जो सा कि इसमें ऊपर की तरफ ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद गई यहाँ से जो सा ये वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे जो सा फाउंड है वो इसमें इसका चेंज कर दूँगा। तो ये वाला फाउंड जो सा कि इसमें ये वाला ऐड कर दूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इस आपको ज़रूरत है एक अंडरलाइन की, तो आपको इस करना क्या होगा लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कि आपने कलर जो सा वाइट चूज़ कर लेना है और इसकी जो सी किस मोटाई है वो किस आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो ये वाली मोटाई जो से ऐड कर लेता हूँ। उस पर कि आपने ये वाली लाइन जो सी वो कि आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से कि जो सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपने जो से इसको ऐड कर लेना है। अब कि आपने जो से इस हैंड राइटिंग वाली लाइन को कहीं अपने नेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो से मैंने इसको ऐड कर दिया है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब किसी आपको नीचे लिखना है आपका उर्दू में नेम, तो उसको लिखने के लिए गई आपको जो सा एक कीबोर्ड डाउनलोड करना होगा या फिर गई आपका जो सा ऑलरेडी पहले कीबोर्ड है उसके अंदर भी गई हो सकता है कि उर्दू फाउंट हो। तो यहाँ से कि जो सा मैं अपना की पैड है वो इसमें जो सा तब्दील कर लेता हूँ। तो ये उर्दू वाला जो सा की पैड है ये मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से कि जो सा मैं अपना नाम है वो इसमें यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से कि मैंने अपना नेम जो सा ऐड कर लिया है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं कि इसका साइज जो सा वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि यहाँ पे जो सा फाउंड है वो ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे कि आपने वो फाउंड ऐड करना है जो कि ज़्यादा बोल्ड हो। तो ये वाला फाउंड ऐड करके देखता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सा कि नेम का जो सा फाउंड है वो इस कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कि आपने ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद किसी आपने अपनी पसंद की यहाँ पे जो सी ऑडियो है वो किसी आपने यूज़ करके इस वीडियो के सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।